देखिए मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो थोड़ी ज़्यादा देखता हूँ और जब भी मैं YouTube ओपन करता हूँ तो इस बंदे की ऐड मेरे सामने आती है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने इसके इतने सारे ऐड को ब्लॉक किया है, हर बार ऐड सामने आ जाती है। जब मैं इसके ऐड एजेंसी वाले पेज पर गया, वहाँ पर 16 से 18 वीडियो को ये प्रमोट कर रहा है, यानी कि इतनी ऐड इसने क्रिएट की हुई है। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की कि यह B10X आखिर है क्या और ऐसी कौन सी चीज़ सिखाता है। इनकी वेबसाइट पर जाते ही आपको कुछ इस तरह का लेआउट दिखेगा कि AI, यानी कि ये ऑफिस में AI यूज कर रहे हैं, ChatGPT सिखा रहे हैं, यानी कि बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ और हाईलाइट जो इनके कोर्स का है वो है AI, ऑफिस में AI यूज करना, ChatGPT और साथ ही पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना। और जो भी ये जानकारी दे रहे हैं वो यूडेमी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ आप 300 या 400 रुपये में सीख सकते हो और यूट्यूब पर फ्री में। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा रिव्यू देखे कि चलिए थोड़ी सी रिसर्च करते हैं इनके कोर्स के ऊपर। तो कोरा.com बिना टोटली नेगेटिव रिव्यू, टोटली एक भी पॉजिटिव रिव्यू नहीं, सबने सिर्फ एक ही चीज़ कही कि रिपीटेड कंटेंट और 14,000 रुपये आपको इस कोर्स के ले रहे हैं, 14,000 रुपये जो कोर्स YouTube पर फ्री में और Udemy.com पर 400 से 500 रुपये में आपको मिल सकता है। तो मतलब साफ है इन्हें कस्टमर चाहिए, स्टूडेंट नहीं। 2017 में ऑनलाइन कोर्स का मार्केट कैप था $190 बिलियन और आप यकीन नहीं मानोगे आज की डेट में ये अनुमान लगाया जा रहा है 2025 या 27 के बीच $390 बिलियन तक का ये मार्केट कैप हो सकता है, इवन इससे भी ज्यादा। गूगल पर आज की डेट में 32% से भी ज्यादा वेबसाइट ऑनलाइन कोर्स को सेल कर रही है। लोग अमीर कैसे बने वाली वीडियो बनाकर अमीर बनने लग रहे हैं, पर आप अमीर नहीं बन रहे हो। यूट्यूब पर हर 7 में से एक वीडियो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन पर है। देखिए आपको बहुत सारी एड और कोर्सेज ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर ये दिखाया गया कि 9 to 5 की जॉब एक गुलामी भरी जॉब है, जहां पर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो आपको अपना खुद का काम करना होगा। आज के जैन जी की सोच है कि वो एक ना एक दिन अमीर जरूर बनेंगे। तो देखिए सोच अच्छी है, इवन मेरी भी है, और सोच बड़ी भी होनी चाहिए, पर सोच के साथ कुछ दिमाग से काम भी करना चाहिए। देखिए कोर्स बेचने वाले क्या करते हैं, बेसिकली आपको ऐसा लाइफस्टाइल दिखाते हैं ना कि आप ना चाहते हुए भी इनके कोर्स को परचेज करने के लिए मजबूर हो जाते हो। फेक अकाउंट बैलेंस दिखाया जाता है, प्राइवेट जेट में घूमा जाता है, लग्जरी गाड़ी दिखाई जाती है। मलेशिया के एक इन्फ्लुएंसर ने तो हद ही कर दी, उसने लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए प्राइवेट जेट रेंट पर लिया। विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी के बीच में आज की डेट में काफी सारे मनमुटाव चल रहे हैं, आपने देखे भी होंगे। और इसी बीच उनके एक वीडियो सामने आती है जहां पर विवेक बिंद्रा अपनी पत्नी को पीट रहे हैं और उन्हें बुरी तरह घायल भी करते थे, और इस चीज को लेकर उनके खिलाफ थाने में एक रिपोर्ट भी दर्ज हुई है। देखिए जो विवेक बिंद्रा है, आईओ के वो एक बड़ा बिजनेस चलाते हैं और साथ ही कोर्स भी सेल करते हैं, उनके बोलने के लहजे से साफ पता चलता है कि वो एक मार्केटिंग करते हैं। आपको एक बात बताऊं, जो ये मोटिवेट करने वाले लोग मोटिवेट करते हैं ना, जितनी भी ये बातें करते हैं, मैंने एक चीज नोटिस की है, ये जितनी बातें रिपीट करते हैं, जैसे कि अभी ये सोनू शर्मा, इसने एक बात कही थी कि एरोप्लेन अगर 1 डिग्री भी थोड़ा सा मूव हो जाए तो पूरी दिशा ही पलट लेता है। तो ये सारी बातें जितनी भी है ना, अमेजोन पर बिकने वाली इन बुक्स में मौजूद हैं। मेरे पास किंडल डिवाइस है और मैंने इस डिवाइस में ढेर सारी बुक्स पढ़ी हैं। इस किंडल में जो बातें लिखी गई हैं ना, यानी कि जो इस बुक्स में, वो सेम बातें भी ये लोग रिपीट करते हैं। वैसे मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो ये ऑनलाइन कोर्स सेल करते हैं वो किस तरह से लोगों को फंसाते हैं। वैसे मैं सच बताऊँ, मैं ऑनलाइन कोर्स के चक्कर में तो आज तक नहीं फंसा हूँ, बट हाँ ऑफलाइन जॉब के चक्कर में कंसल्टेंसी वालों के साथ जरूर फंसा हूँ। देखिए एक बार क्या हुआ कि मैं एक इंटरव्यू देने के लिए गया, वहाँ पर इंटरव्यू क्लियर होते ही मुझसे मांगे गए रजिस्ट्रेशन के तौर पर 500 रुपये। बनकर कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैंने उसे 500 रुपये दे दिए, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कार्ड दिया और कार्ड देने के साथ कहा कि आप नेक्स्ट रूम में चले जाओ। वहाँ पर रूम में मैं गया और वहाँ पर मुझसे मांगे गए 2500 रुपये। उन्होंने कहा कि सर आपको 2500 रुपये देने होंगे, आपको 1 वीक का एक कोर्स कराया जाएगा जिसमें आपको सिखाया जाएगा। मैं समझ गया कि भाई मैं फंस चुका हूँ कंसल्टेंसी वाले के पास। मैंने कहा मैं 2500 रुपये नहीं देने वाला। तो उन्होंने कहा कि आपको 500 रुपये जो आपने दिए वो रिफंड नहीं होंगे। मैं कोई बात नहीं, 2500 देने से अच्छा 500 रुपये ख़राब जाते वो ठीक है, तो मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए। देखिए मेरे इस पर्सनल एक्सपीरियंस का डायरेक्ट लिंक है आज के ऑनलाइन कोर्सेज से। ये कोर्सेज वाले भी कुछ ऐसे करते हैं, शुरू में आपको 1000 या 2000 रुपये का कोर्स प्रोवाइड कराते हैं कि आप हमारे वेबिनार में आइए, फ्री वेबिनार लीजिए, फ्री क्लासेस लीजिए। उसके बाद आपको सबसे छोटा पैकेज जो इनका होता है 1000 से 2000 का वो देते हैं। अब जाहिर सी बात है छोटा कोर्स है तो आपको सारी चीज़ें नहीं मिलती और आपको कुछ होता भी नहीं। तो उसके बाद दोबारा आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आप इससे थोड़ा बड़ा पैकेज लीजिए जो कि है 5000 रुपये का।
उसमें भी आपको कुछ नहीं होता, तो दोबारा आपसे कहा जाता है कि आप 10,000 रुपये का कोर्स लीजिए, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा। जैसे कि विवेक बिंद्रा केस में था, उनका कोर्स मिनिमम शुरू था 25,000 से 35,000 रुपये का और ये कोर्स 1,000,000 तक भी जाता था। तो कुछ आपको ऐसे ही जाल में फंसाया जाता है, आपको छोटे ही शुरू किया जाता है, बड़े में जो है तब्दील कर दिया जाता है, कब आपको पता भी लगता। तो देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी भी किसी के लाइफस्टाइल से इंस्पायर्ड होकर कोई भी कोर्स परचेज ना करें। मुझे अमीर बनना है इस माइंडसेट को लेकर कोर्स परचेज बिल्कुल ना करें, कुछ सीखने के लिए, कुछ क्वालिटीज़ के लिए ही कोर्स परचेज करें। और कोई भी कोर्स परचेज करते हो ना, तो उसे देखें कि उस कोर्स के अंदर इंटरनली आपको क्या क्या मिलता है। यानी कि जैसे कि कोर्स हो गया, फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आपको पाइथन सीखना है या फिर कोई वीडियो एडिटिंग सीखनी है, कुछ भी सीखना है, तो उसमें देखिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक पर जो है रिसर्च की जा रही है। वो टॉपिक आप जाकर यूट्यूब पर सर्च करके देखिए। मैंने udemy.com पर बहुत सारे कोर्स परचेज किए हैं, यानी कि 7-8 कोर्स परचेज किया है मैंने, वीडियो एडिटिंग वहीं से सीखी है। वहाँ पर पता क्या है, 500 से 600 रुपये के कोर्स थे, तो ज़्यादा कुछ लोड नहीं पड़ा मेरे ऊपर। उन कोर्स को करने के बाद, यानी कि जब भी मैं वीडियो देखता था, वहाँ पर मुझे एक चीज़ देखने को मिली, ये रिपीटेड कंटेंट थे जो YouTube पर फ्री में अवेलेबल थे। और udemy.com पर सिर्फ फ़र्क इतना था कि बिना ऐड के सिर्फ एक ही सीक्वेंस में एक टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक शुरू हो रहा है, तो वो सीक्वेंस में चलता था, तो ये चीज़ सही थी। और कभी कभार आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाते थे, तो दैट्स व्हाई मैं उसे परचेज करता था। देखिए मैं udemy.com को यहाँ पर किसी तरह से प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, वहीं अगर udemy.com पर सेम कोर्स जो आज मैंने 500-600 रुपये में लिए, अगर वो 10,000, 15,000, even 5,000 रुपये के भी मिलते हो ना, तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि सेम कंटेंट आपको फ्री में YouTube पर भी मिल जाएंगे। आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज कीजिए, किसी चाहे विवेक बिंद्रा का हो चाहे किसी का हो, आपको सेम रिपीटेड कॉन्टेंट ही देखने को मिलेंगे 90%। सिर्फ हाँ, समझाने का तरीका अलग हो सकता है, आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा उसका तरीका अलग हो सकता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो देखो आई नो कि इंसान वही करता है जो उसका मन करता है, बट फिर भी मैंने आपको समझा देता हूँ, कुछ सीखने के लहजे से, कुछ स्किल बिल्ड करने के लहजे से ही कोर्स को परचेज करें। ये नहीं है कि उस कोर्स को परचेज करने के बाद जो है मेरी रातों रात सेल बढ़ जाएगी, जैसे कि MBA चाय वाले केस में हुआ, कुछ लोगों ने उस पर क्लेम किया कि उनका जो फ्रेंचाइजी लेने के बाद उनकी चाय नहीं बिक रही है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेशन पर हो, क्या है क्या नहीं है। सिर्फ कभी कभार सिर्फ नाम से काम नहीं चलता, काफ़ी सारे फैक्टर मैटर करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं एक बार नीचे कमेंट कीजिए, बट टिल देन स्टे ट्यून्ड स्टे नाउ।